हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोस प्रेजेंट एज। शोबोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। स्टेटमेंट में हमें बोला है कि शोबो कि मम्मा की जो प्रेजेंट एज है, शोबो के जो माता जी है उनकी प्रेजेंट एज, शोबो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। आज से 5 साल बाद जो शोबो की एज होगी वो उसकी मम्मा की आज की एज के 1/3 के बराबर होगी। हमें उन दोनों के प्रेजेंट एज को बताना है। तो सबसे पहले तो हम शोबो की प्रेजेंट एज को मानते हैं कि वो एक्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोबो, उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर्स है। शोबो की प्रेजेंट एज हमने मान ली कि वो एक्स ईयर्स है। और फिर स्टेटमेंट में हमें बोला है शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोस प्रेजेंट एज। जो उस शोबो की मम्मा की एज है वो शोबो की एज का 6 टाइम्स होगी। अगर उसकी एक्स है तो उसकी मम्मा की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी मम्मा की भी आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ शोबोस मदर, अगर शोबो की एक्स है तो मदर की कितनी होगी, 6 टाइम्स ऑफ शोबोस प्रेजेंट एज, मतलब कि 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि 6 एक्स इयर्स। ये हमें स्टेटमेंट में बोला था। उसके बाद बोल रहे हैं शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, ये निकाल लेते हैं। शोबोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज, नाउ का मतलब आज से। अगर आज आपकी एज 15 साल है तो आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 15 में प्लस ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। अगर आज आपकी एज 15 है, अगर आज आपकी एज 14 है तो 5 साल बाद के लिए आपको 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 19 होगी। और अगर उसकी आज की एज एक्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, एक्स में 5 ऐड हो जाएंगी, इतनी एज हो जाएगी उसकी 5 साल बाद की। आज उसकी एज एक्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 5 इयर्स। अब ये हो गया हमारे पास शोबोस एज अप फ्रॉम 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद शोबो की एज इतनी होगी। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब की एज इज एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वल टू विल बी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6 एक्स। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला है शोबो की उम्र आज से 5 साल बाद जो होगी वो होगी 1/3 ऑफ मदर की प्रेजेंट एज, जो आज है, प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, 6 एक्स है, तो उसको 6 एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 2x, ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, ये x यहां प्लस हो रहा है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 5। शोबो की एज क्या आ गई, शोबो की एज आ गई हमारे पास 5 ईयर। शोबो जो था वो 5 ईयर का है और उसकी मम्मा कितनी होगी, मम्मा जो है वो 6 × 5 है, मतलब की वो 30 ईयर्स की। तो ये हमें निकालना भी थी उनकी दोनों की प्रेजेंट एज। उसकी शोभो की प्रेजेंट एज हमने एक्स मानी थी, तो शोभो की प्रेजेंट एज होगी 5 साल और उसकी मम्मा की एज होगी 30 इयर्स। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।